अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नाज़िर, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए सबसे पहले मुफ्ती साहब का ये बयान सुनते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। जिन्होंने 25 से 30 साल के बीच में ही अपनी जवानी बर्बाद कर ली, क्या करते क्या थे, इस मोबाइल की दुनिया में दाखिल होकर उन्हें ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है। पोर्नोग्राफी करते रहो, बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। मेरे अजीजों, मैंने एक डेटा निकाला था लॉकडाउन के मौके पर, उसमें जो इंटरनेट में सर्च करने का जो डेटा आता है कि किस चीज को कितनी बार सर्च किया गया है, तो पता है आपको, हैरत होगी, एक रिपोर्ट आई है इस लॉकडाउन के बीच में 95% अगर नेट में कोई चीज सर्च हुई है तो पोर्नोग्राफी, गंदी तस्वीरें और नंगी तस्वीरें देखने के लिए सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है कि दुनिया तुम्हें तबाही के किस दहाने पर ले जाना चाह रही है। मैं आज ये बातें खुलकर इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज तुम बेदार नहीं हुए, कल तुम्हारे आने वाले बच्चे ये ना पूछे कि मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान क्या चीज है? क्योंकि मैंने ये जिद्दा में, अरब में, सऊदी अरब में एक शेख को कहते हुए सुना, अरबों ने अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पढ़ने के लिए बचपन में ही डाल दिए थे, और जब बच्चे वो जवान होकर के आए तो अपने बाप से इस बात पर लड़ने लगे कि अल्लाह एक ही क्यों है। ये कहां की बात कर रहा है? अरब की बात कर रहा हूं। आज यहाँ के भी हालात कोई दिगर नहीं है। तुमने भी बच्चे पैदा होते बोलते ही दूसरों की झोली में डाल दिया। तुम ये चाहते हो कि मेरा बच्चा फर फर अंग्रेजी बोलने लगे तो बहुत बड़े कमाल का बच्चा है, बहुत पहुंचा हुआ बच्चा है। तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया अपने कदमों में गुलाम बनाने के लिए सारे हथियार ला कर रख चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस किश्ते वीरान से मायूस नहीं। इस दुनिया ने जो करना था सब कर लिया है। आपको पता है हर स्कूल में, एजुकेशन में सिलेबस बदल करके क्या क्या चीजें जहर के तौर पर डाली जा रही हैं, क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं। मुसलमान बच्चों के ईमान कब के तबाह हो जाए। एक स्कूल के एक किताब मेरे पास लाई गई थी, काफी साल हो गए, जिसमें चौथी या पांचवी की या तीसरी की, उसमें इंग्लिश में एक पोयम थी जिसका मतलब ये होता था कि खुदा कभी कभार उतरता है, इंग्लिश में गॉड उतरता है और बीच पर नाचने वालियों को गौर से देखता है, कभी वाइन पीता है, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बचपन के उन दिमागों में अगर ये चीज जाए, मैं किताब तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिली। किसी साहब ने कहा था कि कोई टीचर ये पढ़ा रही थी स्कूल में, अगर यही सारे मामलात रहे तो मेरे आका की वो हदीस भी सादिक आती है, कुल मौलूद यूलद अला फितरा व अबवाहु युहव्विदानिहि औ युमज्जिसानिहि औ युनस्सिरानिहि। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, या आग का पुजारी बना देते हैं। आज यही तो हालात है। तुम्हारे घर का बच्चा तो ईमान पर पैदा हुआ था, लेकिन तुमने किसी और की गोद में डालकर कब के उसे काफिर बना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, कयामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा तुम पर, सुबह तुम मोमिन रहोगे, शाम में काफिर हो जाओगे, रात को मोमिन सोओगे, सुबह काफिर उठोगे। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अजीजो, दुनिया ने इतने हथियार भी तुम्हारे पास रख दिए हैं, तुम्हें खबर भी नहीं होती। तुम गाने सुनते सुनते सो रहे होते हो, कई कुफरिया कलमात उसमें आते हैं, रात को तो ईमान वाले थे, सुबह सुन करके काफिर हो चुके। ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, आला हजरत ने क्या खूब कहा, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। ऐ नौजवानों, याद रखना, एक वक्त आएगा जब हम सबको इस दुनिया को तर्क करके जाना है। इस बात का यकीन रखो कि हमारी सांसें रुकने वाली हैं, एक दिन हमें बांध करके ले जाया जाएगा। आज तुम मस्जिद में बुलाने के बावजूद नहीं आते, कल तुम्हारा कफन बांध कर, रस्सियां बांध कर इमाम के सामने लाकर रख दिया जाएगा। जिंदगी भर नहीं पड़ता था, लेकिन अब इमाम तुम पर पड़ेगा।
और फिर जाओगे किस सफर पे जाओगे बताओ, कहां जाओगे? कोई ऐसी जगह तुमने ढूंढ रखी है तो मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगा कि मरने के बाद मैंने एक सेफ जगह देखी है तुम्हारे पास? तुम्हें पता है जाना तो वही है जहां सब पहले वाले भी गए, बड़े बड़े वक्त के पहलवान, बड़े बड़े मालदार जहां गए, जिनके पास पैसों की रेल पेल ऐसी थी कि वो घर बैठे जो चाहते हासिल हो जाता, घर बैठे। तुम्हें पता है सिकंदर आजम एक बादशाह, दारा नाम का एक बादशाह, जब वो मर रहा था तो उसने एक वसीयत की थी, आधी दुनिया पर उसने हुकूमत की, अपने चाहने वालों से कहा कि जब मैं मरूं तो मुझे पूरा दफन करना लेकिन मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, कब्र में इसको दफन मत करना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा ताकि दुनिया बार बार मेरे कब्र के पास आकर देखे आधी दुनिया फतह करने वाला भी जमीन पर खाली हाथ सोया हुआ, कुछ नहीं है इसके पास। हमारे कफन भी जो बांधे जाते हैं ना, एक जेब भी नहीं रखी जाती, रखी जाती है ना, हम अपनी मैयतों के सिराने एक सिक्का रखते हैं ना एक नोट रखते हैं। तुम्हें पता है हम उस दुनिया के सफर पर जा रहे हैं जहां पैसा काम नहीं आएगा, जहां दौलत काम नहीं आएगी, ना फरिश्ते रिश्वत लेंगे, ना बारगाहे इलाही में किसी और तरीके की कोई गुंजाइश तुम्हारे लिए निकल जाएगी दुनियावी एतबार। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती साहब का ये बयान आपने पूरा बखूबी समाप्त किया और आप सबको पसंद भी आया होगा। इसी तरह का बयान सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सके सबसे पहले। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।